कि मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है और आई एम टोटली विजिबल और जो स्क्रीन है पीडीएफ है वो आपको क्लियरली विजिबल है तो एक बार ओके okay लिख दो देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद दिस सेशन ओके तो हम कर क्या रहे हैं हम कर रहे हैं आंसर राइटिंग सेशन फॉर यूपीएससी मेंस और आज यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल के लिए हमारे पास जो टेस्ट है वो है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको बता दूं हम करते क्या हैं 4:30 पे स्टूडेंट्स को टेस्ट देते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं 5 टू 6 उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं फिर आफ्टर सिक्स वी हैव अ लाइव डिस्कशन ऑन रिलेटेड टू दैट आंसर्स और आप भी नेक्स्ट टाइम से वो टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या होगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा हमारा यूपीएससी पीडिया का ठीक है तो टेलीग्राम ग्रुप पे हम क्वेश्चन शेयर कर देते हैं एग्जैक्टली फोर थर्टी एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ज्वाइन अस ऑन जूम यूजिंग द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसके थ्रू आप हमें जूम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो हम रिजॉल्व करेंगे जूम पे थ्रू चैट बॉक्स ठीक स्टार्ट करें अपने डिस्कशन की ओर अब डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमें आंसर लिखते वक्त कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना होता है हमें आंसर लिखते वक्त ध्यान रखना है कि हम फॉर्मेट कौन सा फॉलो करें कि सबसे पहले हम आंसर में इंट्रोडक्शन लिखें इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या लिखें इंट्रोडक्शन के बाद हम आंसर की बॉडी लिखें और उसके बाद कॉन्क्लूजन लिखें तो ये फॉर्मेट हम ट्राई करें कि हम हर एक आंसर्स में फॉलो करें फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन में भी ठीक है अच्छा अगर मैं ईयर क्वेश्चन की बात करूं फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन की तो बहुत ही ज्यादा ईजी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते तो इसीलिए टेस्ट में भी मैंने ट्राई करा है कि मॉडरेट लेवल तक के ही क्वेश्चन रखे हैं ठीक है स्टार्ट करें अब अपने क्वेश्चन की ओर तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल सिस्टम इज अ बैकबोन ऑफ द एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ दैट फाइनेंशियल सिस्टम प्लेज इन द दी जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसे हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ द इकॉनमी राइट बैकबोन ऑफ द इकॉनॉमी क्यों बोला जाता है और हमें उसके रोल एक्सप्लेन करने हैं तो मैंने जो आंसर स्टार्ट किया है सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कि फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है और कौन कौन से चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट्स लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टुगेदर कंप्राइज टूगेदर फाइनेंशियल सिस्टम ठीक है फिर मैंने उसको बैकबोन क्यों कहा जाता है क्योंकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वर्क करता है के लिए जरूरी है इसलिए इसे बैकबोन कहा जाता है एक स्टेटमेंट में वो एक्सप्लेन करा फिर मैंने एग्जाम्पल्स के साथ बताया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या इंक्लूड होता है लाइक बैंक्स नॉन नॉन बैंक लेंडर्स सिक्योरिटी मार्केट पेंशन म्यूचुअल फंड्स Funds, सारी डिटेल्स अब फिर मैंने रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम की बात करी है तो सबसे पहले अबाउट द रोलैंशियल सिस्टम इन द इकोमिक डेवलपमेंट हम डायरेक्टली आंसर पर जम्प नहीं करेंगे डायरेक्टली रोल्स नहीं लिखेंगे राइट right? तो रोल्स की बात करूं तो सबसे पहला हमने रोल में चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग्स मतलब अगर बैंक होंगे अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे प्राइमरी मार्केट्स होंगी स्टॉक मार्केट होंगी तो वहां पे जो कंज्यूमर्स हैं हैं इंडिविजुअल्स वो अपनी सेविंग्स रख सकेंगे सेव कर सकेंगे फिर आता है मीट दी कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ दी बिजनेस जो सेविंग्स उधर आ रही हैं बैंक्स में आ रही हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक्स की लेके बात चलूं तो जिसके पास सरप्लस फंड होता है वो बैंक में डिपॉजिट करवाता है वो सेव करता है राइट right? बैंक क्या करता है इस मनी को लेंड करता है बिजनेसिस को जिससे होता क्या है बिजनेस ग्रो करता है थिंक अबाउट अगर बैंक्स नहीं होंगे तो ना जो लोग हैं वो अपनी सेविंग्स कर पाएंगे एंड ना ही बिजनेसिस को इजिली लोन मिल पाएगा जिससे ग्रोथ हेम्पर होगी राइट तो सेकेंड पॉइंट क्या है मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस देन सपोर्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स गवर्नमेंट भी क्या करती है फाइनेंशियल सिस्टम्स के थ्रू ही बोरो करती है राइट right? और फिर स्पेंड करती है इन इकोनॉमी फिर हम बात करेंगे aid, जो देखो जब भी हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना होता है तो जनरली हम क्या करते हैं एक्सचेंज डॉक्यूमेंट या लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज करते हैं राइट लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज करते हैं तो वो इशू कौन करता है बैंक इशू करता है तो फिर आता है हमारे पास स्पॉट इंटरनेशनल ट्रेड जो भी मैंने बात बोली सेम बात फिर हमारे पास आता है जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्प्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जनरेट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया बैंक्स के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे अगर जो रेगुलेटर्स हैं हमारे पास आर बी आई से एन बी एफ सीज हो गई इन सारे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई इन सारी कंपनीज के अंदर ये फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लोगों को क्या इंप्लॉयमेंट मिलती है देखो अगर बैंक्स की बात करें तो उधर एम्प्लॉयज हैं हमारे पास अगर हम सेबी की बात करें आर की बात करें नबार्ड की बात करें जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं एल की बात करें तो उन सारे के अंदर भी इंप्लाइज वर्क करते हैं तो उससे हो क्या रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है एंड द सेकेंड पॉइंट इज हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब कि मान लो अगर ये बैंक किसी बिजनेस को लोन देगा तो वो बिजनेस ग्रो होगा और जब वो बिजनेस ग्रो होगा तो वो भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा मतलब ज्यादा लोग हायर करेगा ठीक नेक्स्ट आता है स्पोर्ट दी अप, जो न्यू बिजनेसिस हैं उन यूनिकॉर्न्स हैं बिजनेसिस हैं उनको फंडिंग मिलती है हमारी फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू जो वीसी वगैरह होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं तो ऐसे स्टार्टअप अगर हमारा एक फाइनेंशियल सिस्टम बहुत हेल्दी uh, होगा और बढ़िया होगा तो उससे क्या होगा इजिली फंड मिलेगा स्टार्टअप को जिससे वो ग्रो कर पाएंगे एंड द लास्ट वन इज बैलेंस बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है जहां सरप्लस पड़ा है या मैं बोलूं जिन जिन सेक्टर्स में नीड है वहां

तो आपको भी डायरेक्टली आंसर पे नहीं जाना पहले इंट्रोडक्शन देन वी टॉक अबाउट बॉडी देन वी विल डिस्कस दलूशन समझ आ गया चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आपको कोई भी बीच में डाउट आए तो यू कैन आस्क अस ऑन द चैट बॉक्स और जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं दे कैन ज्वाइन अस ऑन जूम ठीक है यूजिंग अ लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक तो बहुत ही ईजी और हम शायद एलेवन ट्वेल्थ से ही क्वेश्चन देते आ रहे हैं कि फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होते हैं बस जल्दी से ब्रीफ करूंगा आपको पहले मैंने क्या करा कमर्शियल बैंक क्या होता है वो एक्सप्लेन करा एग्जाम्पल्स ये देखो जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स होगे उतना ज़्यादा बेटर आपका आंसर होगा सेम चीज़ जितने एग्जाम्पल्स और साथ साथ जितने फ्लो चार्ट क्रिएट कर सको उससे प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है और एग्ज़ामिनर के लिए आंसर चेक करना ईजी हो जाता है तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है फिर मैंने बात करी है फंक्शंस फंक्शंस को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है कौन से? Functions. Functions कौन से प्राइमरी ओवर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है कि मान लो मेरे बैंक अकाउंट में थाउजेंड रुपीज है और मैंने एक चेक क्रिएट कर दिया फिफ्टीन हंड्रेड का तो लॉजिकली होना क्या चाहिए ये चेक बाउंस कर जाना चाहिए लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है कि जब हम रेगुलर कस्टमर होते हैं तो बैंक को पता होता है कि ये हमारे रेगुलर कस्टमर है है तो वो वो हमारे चेक क्लियर कर देते हैं जो 500 हमारा नेगेटिव बैलेंस आ जाता है दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट ठीक है फिर आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर सकते हैं देखो तो जो हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको हम देख बैंक से कमर्शियल बैंक से देख कैश ले सकते हैं दैट इज डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज फिर जो हमारे एजेंसी फंक्शंस आ गए वो हो गए जिसमें आ जाते हैं हमारे पास कलेक्शन क्या हो जाता है कि जब हमारे बैंक स्टेटमेंट लिख के दे, दे कि हाँ भाई इस पर्सन की पास इतने कैश पड़ा है या इतना अकाउंट बैलेंस है ठीक है ये सारे हो गए हमारे एजेंसी फंक्शंस फिर हम बात करेंगे जनरल यूटिलिटी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक जनरल यूटिलिटी फंक्शन कैसे हो गए हमारे लॉकर फैसिलिटीज वगैरह हो गया इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बात करी थी फिर सिक्योरिटीज हो गया जो कि इमरजिंग फंक्शन है बैंक का कि सिक्योरिटीज uh, को अंडर राइट करते हैं वो अंडर राइटिंग का मतलब क्या हो गया कि मान लो अगर जो कंपनी स्टॉक मार्केट में आईपीओ लेके आ रही है और अगर वो डायरेक्टली सारे आईपीओ सब्सक्राइब नहीं होंगे तो बैंक्स वगैरह परचेज कर लेते हैं ठीक है तो उसे हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे अभी फिर आता है बैंक कलेक्ट करता है और पब्लिश करता है स्टेटिस्टिक्स मतलब वो डाटा कलेक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इकोनॉमी को दीज ऑल आर ऑफ अ कमर्शियल बैंक ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड ओवर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है हमें एडवांटेजेस बताने हैं म्यूचुअल फंड्स के देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है जिसमें सारे लोग अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं और जो भी म्यूचुअल फंड का मैनेजर होता है वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है सबसे पहले मैंने डायरेक्टली क्या किया म्यूचुअल फंड को डिफाइंड किया उसके बाद क्या क्या एडवांटेजेस हैं ओवर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो मैंने एक्सप्लेन करें ठीक तो सबसे पहला आ जाता है हमारे पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट देखो जब हम खुद सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हो सब कुछ हो जब हम म्यूचुअल फंड करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं जो अपने हैं वो म्यूचुअल म्यूचुअल फंड फंड को दे रहे कंपनी के पास प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं जो हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो होता क्या है जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रोफेशनल्स के थ्रू होती है ठीक है फिर इससे होता क्या है हमारी टाइम सेविंग होती है मेरे को नहीं बैठ के एनालिसिस करने स्टॉक्स के

अब डाइवर्सिफिकेशन का बेस्ट बेनिफिट कैसे मिलेगा लेट्स सपोज से फाइव थाउजेंड ले लेते हैं अब जब म्यूचुअल फंड होगा उसमें कई सारे लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे मैंने फाइव थाउजेंड करे किसी ने टेन थाउजेंड करे किसी ने वन थाउजेंड करे किसी ने फाइव हंड्रेड रुपीज करे किसी ने ट्वेंटी करे वो सारा पैसा एक जगह कलेक्ट होगा फिर वो इन्वेस्ट होगा और जो मैनेजर होगा उस म्यूचुअल फंड का वो किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा एक कंपनी के स्टॉक नहीं खरीदेगा रेदर देन बहुत सारी कंपनी खरीदेगा तो अगर एक कंपनी का स्टॉक गिरा भी तो हम दूसरे स्टॉक से वो टोटल इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो इंक्रीज करेगी समझ आ गया इससे क्या है हमारी डाइवर्सिफिकेशन हो रही है बहुत सारी कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं फिर आता है कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन जो पेपर वर्क वगैरह होता है वो हमें अवॉइड करना पड़ता है जो बाई वगैरह जो डिफरेंट हमें इनपुट देने होते हैं वो हमें नहीं देने पड़ते म्यूचुअल फंड के केस में ठीक है ब्रोकर वगैरह की फीस नहीं लगती फिर आता है हमारे पास रिटर्न पोटेंशियल देखो जब हम खुद स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाते हैं जब हम खुद स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो चांसेस होते हैं कि जो हमारा रिटर्न मिले वो हाई ना मिले एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड अच्छा मैं अगर अपनी स्टोरी भी बताऊँ तो ऑलमोस्ट वन एंड हाफ को इन्वेस्टमेंट करते वक्त और मैंने दोनों स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों को एक साथ स्टार्ट किया था मतलब मैंने स्टॉक्स भी परचेज करने स्टार्ट करते म्यूचुअल फंड्स में एंड यू बिलीव मैंने म्यूचुअल फंड्स में कम पैसा डाला हुआ है तब भी जो म्यूचुअल फंड का टोटल वैल्यू ऑफ रिटर्न है वो मेरा हायर है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स मैंने म्यूचुअल फंड में कम पैसा डाला एज कम्पेयर टू स्टॉक्स बट म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है मेरा वो हायर है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स

सेल कर सकते हैं एक्सेप्ट कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जैसे जो हम जिसमें हमारा लॉक इन पीरियड होता है लेकिन रिमेनिंग ओपन एंडेड स्कीम्स को इन्वेस्टर्स कभी भी बेच सकते हैं राइट फिर बात आती है ट्रांसपेरेंसी की कि हमारे पास सारी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डिटेल्स अवेलेबल होती हैं कि भाई वो कंपनी किधर इन्वेस्ट कर रही है उस म्यूचुअल फंड मैनेजर का कितना एक्सपीरियंस है वो सारी डिटेल होती है तो ट्रांसपेरेंट होता है बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है कि म्यूचुअल फंड ने कहा इन्वेस्ट कर रखा है क्या उसके व्यूज हैं क्या उसके हैं वो सारी चीजें फिर आते हैं हमारे पास टैक्स बेनिफिट्स टैक्स बेनिफिट्स टैक्स कैसे होते हैं कुछ ऐसे स्कीम्स हैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड कर देते हैं राइट फिर मैंने क्या करा है एंड में कॉन्क्लूजन लिखा है कि जब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है तो देखो हम स्टॉक मार्केट में देखें तो थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज है हंड्रेड ऑफ कंपनीज हैं हमारे पास अवेलेबल जिसपे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो सबको एनालिसिस करना और सब में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है, तो का, का है, 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 है तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है इसीलिए हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू स्टॉक्स तो ये हमने कॉन्क्लूजन लाइन लिखी ठीक फिर नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन दी रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेबी तो इजी क्वेश्चन है सेबी की मैंने पहले इंट्रोडक्शन दी सेबी क्या है सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया किस रूल के अंदर आया फिर मैंने बात करी है रोल की मतलब क्वेश्चन को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है दो फर्स्ट वन जिसमें मैंने डिस्कस करा है रोल ऑफ सेबी एंड द सेकेंड वन इज जिसमें मैंने बात करी है स्ट्रक्चर ऑफी सेबी की तो सबसे पहले फिर मैंने रोल की बात करी जिसमें आ जाता है हमारे पास इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन वगैरह मतलब सारे पॉइंट्स लिखे प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रॉबिट्स इन साइडर ट्रेडिंग इन साइडर ट्रेडिंग क्या होता है कि जब कंपनी के खुद के अंदर के पर्सन ट्रेड करने लग जाते हैं उसके पास उनके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो मार्केट में नहीं होती तो उसको रोकता है हमारा से भी फिर आता है चेक प्राइस रिगिंग प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस रेगुलेटरी फंक्शंस ये सारे वर्क फिर रेगुलेटरी के अंदर कौन कौन से वर्क्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन करें फिर आता है हमारे पास डेवलपमेंटल फंक्शन

उसके बाद मैंने बात करी है स्ट्रक्चर की सेबी की जिसमें मैंने जो सेबी बोर्ड होता है उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है फाइनेंशियल सर्विसेज आर फाउंडेशनल टू एड्रेसिंग सम ऑफ ग्लोबल इश्यूज लाइक अचीविंग अरे ऑफ डेवलपमेंट गोल एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन दिस रिगार्ड तो हमें पता नहीं है फाइनेंशियल इंक्लूजन की इंपॉर्टेंस देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है कि जो हमारे सारे लोग हैं इकोनॉमी के उनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंच सकें दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूजन ठीक है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन लिखिए फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू अप्रोप्रेट फाइनेंशियल सर्विस बाई दबल ग्रुप सच एज वीकर इनकम कॉस्ट फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली बाय मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशनल प्लेयर फिर हमने फाइनेंशियल इंक्लूशन को एक्सप्लेन करा फिर हमने उनके की ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करा क्या ऑब्जेक्टिव हैल्प पीपल टू सिक्योर फाइनेंशियल सर्विस एट इकोनॉमिकल प्राइजेस कैटर टू द नीड ऑफ पुअर पीपलनेबिली सफिशेंट कॉम्पिटिशन एंड क्लाइंट है ये नहीं कि सिर्फ पूरे एरिया में एक ही बैंक है कई सारे बैंक हो ताकि कस्टमर्स इजिली फोकस कर सकें इंक्लूजन का मतलब इसमें वो कवर हो जाएगा फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रमोट एंटरप्रिन स्पिरिट ये हमने बात करी फाइनेंशियल इंक्लूजन के एडवांटेज की ठीक है फिर हमने बात करी और आंसर को अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं जो अगर हमारे पास फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं पहले तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के एडवांटेजेस अगर मान लो किसी पर्सन के पास बैंक अकाउंट है या पेमेंट सर्विसेज अवेलेबल है जैसे अभी हम यूपीआई कर देते हैं डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं अगर ये अवेलेबल है तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं पर्सन के पास वो हमने डिस्कस करी कि वो अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन ईजिली कर पाएगा ईजली पैसे रिसीव और सेंड कर पाएगा वो सेविंग्स इंक्रीज कर पाएगा इससे स्मॉल बिजनेस और माइक्रो इंटरप्राइजेस की हेल्प हो सकेगी ठीक है जो वो अपने रिकरिंग एक्सपेंसिस है लाइक स्कूल फीस इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह ये सारे वो पहले से ही प्लान कर पाएगा अब जैसे कई जगह हमने ऑटो पे लगाया होता है तो ऑटो पे लगाने से क्या होता है हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि हाँ ये पहले ही कट जाएगा ठीक फिर एंड में हमने क्या करा कॉन्क्ल्यूजन लाइन लिखी और इस आंसर को एंड किया ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स जिसमें है वट डू यू मीन बाई ऑफ शोर बैंकिंग स्टेट द्स ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग तो सबसे पहले हमें ऑफ शोर बैंकिंग एक्सप्लेन करेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे क्या बेनिफिट हैं इंटरनेशनल बैंकिंग के तो द टर्म ऑफ शोर बैंकिंग को मैंने एक्सप्लेन किया द टर्म ऑफ शोर बैकिंग इज अब यूज टू डिस्क्राइब द बिजनेस दैट बैंक फॉरन ऑफिस कंडक्ट आउटसाइड देयर होम कंट्रीज मतलब बाहर की कंट्रीज में दूसरी फॉरन कंट्रीज में जहां ब्रांचेज होती है दैट इज ऑफ शोर बैंकिंग ठीक है फिर मैंने उसके बारे में डिस्कस किया फिर मैंने इंटरनेशनल बैंकिंग के बारे में डिस्कस करा और उसके बाद मैंने बेनिफिट डिस्कस करे इंटरनेशनल बैंकिंग के अब इधर मैंने क्वेश्चन में और अच्छा दिखाने के लिए क्या करा बाइफ्रिकेशन करा है कि इंटरनेशनल बैंकिंग के जो एडवांटेजेस हैं वो बैंक के लिए क्या है और फिर उसके बाद जो हमारे कस्टमर्स हैं उसके लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो डिस्कस करें राइट right? तो जो बैंक के लिए एडवांटेजेस है वो क्या हो गए हमारे पास लो मार्जिनल कॉस्ट है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी नॉलेज एडवांटेज आएगा कि अगर बाहर भी ब्रांचेज हैं तो उधर के वो एम्प्लॉयज भी हेल्प करेंगे फिर प्रेस्टीज बनेगा देखो जो बड़ी कंपनी बड़े बैंक्स होंगे उन जब कस्टमर्स को पता होगा कि हाँ इनकी फॉरन ब्रांचेज भी हैं तो वो ज्यादा लॉयल होंगे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उन बैंक्स की ओर तो प्रेस्टीज बढ़ेगा रेगुलेशन एडवांटेज होगा देखो हर एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशन हैं रिलेटेड टू बैंकिंग तो अगर कहीं पे लीनियंट बैंकिंग रेगुलेशन है तो बैंक्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ कि अपनी ब्रांचेस उस कंट्री में खोल लें फिर आता है रिटेन योर क्लाइंट्स कि क्लाइंट्स रिटेन करने में हेल्प करेगा जैसे अगर मान लो कोई कस्टमर है जो बहुत बार फॉरेन में आता जाता है तो उसे होगा क्या भाई एक अपनी कंट्री के लिए डोमेस्टिक कंट्री के लिए बैंक अकाउंट चाहिए होगा एक फॉरेन के लिए चाहिए होगा तो उसके दो दो बैंक अकाउंट हो जाएंगे वहीं अगर हमारे पास ऑफशोर बैंकिंग भी होगी इंटरनेशनल बैंकिंग भी होगी तो वो हम उसको दूसरा अकाउंट खुलवाने की ओपन की नीड नहीं पड़ेगी फिर आता है हमारे पास ट्रांजेक्शन कॉस्ट ग्रोथ ग्रोथ होगी कंपनी की मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी ग्रोथ होगी कंपनी की रिस्क रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि तो हम सिर्फ एक इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं होंगे बहुत सारी इकोनॉमी में हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो चुका होगा ठीक फिर हमने बात करी है जो इंटरनेशनल बैंकिंग है उसके कस्टमर्स को क्या एडवांटेजेस हैं द फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस एंड अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी कन्वीनियंस हो जाएगी कस्टमर के लिए वो वर्ल्ड वाइड मैप यूज एप्स यूज कर सकते हैं मतलब पेमेंट्स एंड रिसीविंग कर सकते हैं फिर जो फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी कस्टमर्स के लिए और अगर कस्टमर का इंटरनेशनल बिजनेस है तो उसके लिए भी काम करना इजियर हो जाएगा ये मैंने एडवांटेजेस एक्सप्लेन करे इंटरनेशनल बैंकिंग के फॉर बैंक एंड फॉर कस्टमर्स फिर एंड में देखो दोबारा मैंने कॉन्क्लूडिंग लाइन लिखी है कॉन्क्लूडिंग लाइन क्या

क्लूडिंग लाइन लिखे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है the disparities between venture capital and angel investor सबसे पहले मैंने एंजल कैपिटल है क्या वो बताया कि वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंड है तो ये फंड्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को जब उनको नीड होती है फिर मैंने बात करी एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं और इजी और, तो और, और, और सिंपलीफाइड हो जाता है एग्जामिनर के लिए समझना राइट तो एंजल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं अगर मैं बेसिक बेसिक बताऊं आपको तो जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो बिल्कुल बिजनेस के स्टार्टिंग में फंड्स इन्वेस्ट करते हैं लाइक like, हमने शार्क टैंक देखा था तो उसमें क्या थे, वो थे, जो के में इन्वेस्ट कर रहे थे। कई बिजनेस प्रॉफिट तो भी नहीं था तब भी इन्वेस्ट कर रहे थे वो होते हैं, कौन होते है? वो या वो होते हैं जो इसका प्रॉपर वर्क ही होता है कि कंपनी को एक स्टेज में मतलब जो ग्रो कर रही होती है उस में फंडिंग करें ठीक जैसे हमने जो उसका पढ़ा था क्या नाम था उसका जो शार्क टैंक में आए थे जो बोट का वो था फाउंडर क्या नाम था उसका अमन राइट तो वो एंजल इन्वेस्टर था क्यों उसका मेन बिजनेस नहीं था लेकिन वो इन्वेस्ट करता रहता था स्टार्टअप्स में कैपिटल जो अगर हम फर्म तो से, से उधारी होती है कभी किसी से दैट आर वेंचर कैपिटलिस्ट ठीक है तो मीनिंग सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर्स आर द एफेंट देयर मनी इन एक्सचेंज फॉर

एज कम्पेयर टू वेंचर कैपिटलिस्ट बड़ी कंपनीज फर्म्स होती हैं जो इन्वेस्ट करती हैं और इनकी अमाउंट हाई होती है और जनरली ये लेटर स्टेज पे जाके इन्वेस्ट करती हैं ठीक तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो गए प्रोफेशनली फर्म्स हो गई मनी है अब जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं मतलब जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका खुद का पैसा होता है बेसिकली लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट में खुद का पैसा हो उसमें वो पूल भी क्रिएट कर लेते हैं ठीक है ये जनरली स्टार्टिंग में करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स ये लेटर स्टेज पे करते हैं मतलब प्रॉफिट जुड़ी नहीं है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस हो प्री प्रॉफिट भी कर सकते हैं लेकिन बहुत ही इनिशियल फेज पे हमारा जो इन्वेस्ट करते हैं वो करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स ठीक है ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स और ये इक्विटी और डेट दोनों में ये देखो जनरल बात हो रही है आजकल तो एंजल इन्वेस्टर्स भी डेट में कर देते हैं तो लेकिन जनरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि इनिशियल स्टेज पे कंपनी डेट लेती ही नहीं है लेटर स्टेज पे वो डेट ले लेती है क्योंकि अगर बिल्कुल ही स्टार्टिंग फेज होगा तो वहां पे वो डेट लेती नहीं है इसलिए जनरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है मतलब इक्विटी लेते हैं रेदर देन वेंचर कैपिटलिस्ट इक्विटी भी ऑफर करते हैं मतलब इक्विटी की बजाय इन्वेस्टिंग करना भी ऑफर करते हैं और डेट भी ऑफर करते हैं कंपनीज को साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बोलूं तो इनकी एज कंपेयर टू वेंचर कैपिटलिस्ट लो होती है इनकी हाई होती है ठीक है ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इधर वो फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं और वहीं वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करूं तो वो पूरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए या मतलब कहते हैं ना एक इनिशियल स्टेज से एक लेवल तक आने के लिए वे, 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 हमारे एंजल इन्वेस्टर्स हेल्प करते हैं उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म हेल्प करती है कंपनी को पूरा प्रॉफिटेबल और ग्रो करने के लिए ठीक एंड में मैंने फिर क्या करा कॉन्क्लूडिंग लाइन लिखी दोनों चीजों की कॉन्क्लूजन लिखा ठीक है, चले अब लास्ट क्वेश्चन है वट डू यू मीन बाय क्रेडिट रेटिंग एंड वट इज फॉलो बाय केयर फॉर रेटिंग तो क्रेडिट रेटिंग क्या होता है और केयर के बारे में बताना है जो कि हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है तो सबसे पहले मैंने डिफाइड करा क्रेडिट रेटिंग क्या होता है क्रेडिट रेटिंग रेफर्स टू अ सिंबॉलिक इंडिकेशन ऑफ करंट ओपिनियन रिगार्डिंग द रिलेटिव फिर मैंने केयर के बारे में बताया कि जो की एक लीडिंग एजेंसी है जो की रेट करती है फिर मैंने बात करी जो क्वेश्चन में बोल रखा था कि क्या मैथड्स फॉलो करते हैं या क्या पॉइंट माइंड में रखते हैं केयर जब वो रेट करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी भी फर्म को ठीक है रेटिंग बेस्ड ऑन कंपनीज इन्फॉर्मेशन तो केयर के बाद जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को एनालिस करते हैं और उसके बेसिस पे रेटिंग देते हैं फिर जो फ्यूचर कैपेसिटी है कैश जनरेट करने की बिजनेस की उस बेसिस पे रेटिंग करते हैं वो पूरी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो चेक करते हैं क्या ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या फाइनेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं फिर वो क्वालिटेटिव असेसमेंट करते हैं सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव असैसमेंट भी करते हैं कि मैनेजमेंट कैसी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे हैं इंप्लाइज के साथ कैसा रिलेटेड है तो उन सारे पॉइंट्स को ध्यान पे रखते हैं और ये सारे पॉइंट्स के थ्रू वो मतलब ये जो चार पॉइंट्स हैं इसको वो पॉइंट ऑफ माइंड में रखते हैं जब वो डिसाइड करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी फर्म की रेटिंग ठीक फिर ये मैंने एंड में कॉन्क्लूजन लिख के इस आंसर को एंड किया ठीक दीज ऑल आर योर एट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर डाउट योर टू टेस्ट अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी नाउ इन दैट अदरवाइज वी विल वाइंड अप दिस सेशन और अगर बाद में भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है यू कैन आस्क अस ऑन द टेलीग्राम ग्रुप और यू कैन पर्सनली टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो ठीक है और अगर अभी भी आपने टेस्ट राइटिंग शुरू नहीं करी है तो मॉक टेस्ट लिखना शुरू कर दो फुल मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अनुजिंदल डॉट में जाओगे वहां पे यूपीएससी में जाओगे तो यूपीएससी में आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी उसको अटेम्प्ट करो वो प्रोफेशनली चेक होंगी आपको डिटेल्ड आपके आंसर्स का एनालिसिस दिया जाएगा कि आप उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो वो एक्सपर्ट्स के थ्रू चेक होगी ठीक है तो अगर आपने अभी भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू नहीं करी है तो यू कैन स्टार्ट by attempting mock test. Hai? If you have any doubt, you can ask me otherwise we will wind up the session. Chalo. So that's all for today. Bye bye. Take care. See you soon.